हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ 11 के अंदर पैटर्न पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन देखा होगा, बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइंस या पैटर्न बने होंगे कपड़े के ऊपर। इस तरह का पैटर्न आपने बहुत बार देखा होगा। ये पैटर्न मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। तो कैसे हम अलग अलग डिज़ाइन, कैसे खुद का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। आपके पास कोरल ड्रॉ 12 है या उससे कम लेट ओल्ड वर्जन है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। जैसे कि पहले मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए, कोरल ड्रॉ 11 के अंदर इस तरह का पैटर्न हम लोग कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आज बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया। इस तरह का पैटर्न हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप अपना कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन ओपन करें, फाइल में जाएं, न्यू करें, ये नया पेज लें। और यहाँ अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कलर, राइट हैंड साइड में कलर बॉक्स है, उसे कलर कर दिया। फिर मैंने इलिप्स टूल पे क्लिक किया, अलग से एक सर्कल लिया, उस पर क्लिक किया। इस तरह का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर नीचे में आप देख सकते हैं पॉलीगन टूल है, यहाँ पॉलीगन का एक अलग सा शेप इसी तरह बनाया मैं, उसे भी मैंने कलर कर दिया। अगर सपोज स्टार लेना है, स्टार शेप, आप इस जगह से स्टार शेप ले लिया मैंने, उसे भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि कलरफुल डिज़ाइन मेरा कलरफुल दिखे। उसके बाद और अगर कोई शेप लेना है, फिर से अगर सर्कल और लेना है, इस तरह मैं सर्कल एक ड्रॉ किया इस तरह का मैंने। तो आपने देखा कि मैंने पहले सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बॉक्स लिया, स्टार लिया, सर्कल लिया, पॉलीगन टूल लिया, अलग अलग शेप। आप जो आपको अच्छा लगे, आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, अपना टेक्स्ट अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, या और भी कुछ सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का आप अलग अलग शेप्स पहले ड्रॉ कर लें। इस तरह ये मेरा इस तरह का पैटर्न बनेगा, मेरा तैयार होगा। करने के बाद आप क्या करें, टूल्स आपको कहाँ जाना है ये देख सकते हैं, ऊपर मेनू बार है। आप टूल्स में जाएं, टूल्स में क्लिक करें, टूल्स, टूल्स के बाद क्रिएट, क्रिएट में आएं, उसके बाद पैटर्न। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पैटर्न PATTERN लिखा होगा, उस जगह पे माउस पॉइंटर रखेंगे तो क्रिएट पैटर्न लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद क्रिएट पैटर्न का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट पैटर्न, यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे टू कलर और फुल कलर, आपको फुल कलर करना है क्योंकि अलग अलग मैंने कलर्स लिए हैं, तो इसलिए फुल कलर कर दें। करने के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन मीडियम रखें, फुल कलर कर दें, रेजोल्यूशन मीडियम रखें, फिर ओके कर दें। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक लाइन आ जाएगा, इस तरह का लाइन, एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन आएगा। आपको ठीक इस जगह रखना है, अपने जिस जगह पे आपने शेप बनाया है, और उसे सिलेक्ट करना है। माउस का लेफ्ट क्लिक करें और इस तरह सिलेक्ट कर दें पूरा का पूरा। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद आएगा क्रिएट पैटर्न लिखा होगा, क्रिएट पैटर्न विद सिलेक्टेड एरिया, क्योंकि आपको एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये पूरा का पूरा जो मैंने शेप्स बनाए थे उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके कर दें। ओके जैसे क्रिएट करेंगे, आप एक ऑप्शन आएगा सेव वेक्टर वेक्टर पैटर्न, और जो फाइल नेम, आप कोई सा फाइल नेम दे दी, जैसे मैंने दे दिया बाय। उसके बाद सेव कर दें। फाइल नेम देने के बाद सेव पे क्लिक करें। ये हो गया। होने के बाद आप एक अलग सा जिसके अंदर आप पैटर्न लाना चाहते हैं, जैसे मैंने एक सपोज मान रेक्टेंगल बॉक्स लिया, और इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया। ये देख सकते हैं, मैंने एक अलग सा रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया। करने के बाद उसके बाद सबसे ये टूल बार में आए, ये टूल बार है, ये देख सकते हैं, टूल बॉक्स है, सॉरी, टूल बॉक्स है। सबसे नीचे देखिए एक फिल टूल लिखा होगा, फिल टूल, एक बकेट नुमा शेप दिया है, ये आप देख सकते हैं, ड्राइंग फिल टूल बोलते हैं। उसके ठीक राइट हैंड साइड में एक अलग सा काला सा बटन होगा, उस पर क्लिक करें, और बहुत सारा इस जगह पे देख सकते हैं आप डिज़ाइन बने होंगे। तो फिल कलर डायलॉग बॉक्स, फाउंटेन फिल डायलॉग, उसका पैटर्न फिल लिखा होगा तीसरे नंबर पे, 1 2 3,
उस पर आप जैसे ही माउस पॉइंटर रखेंगे आपको दिखाई देगा पैटर्न फिल डायलॉग बॉक्स, उस पर क्लिक करें। करने के बाद पैटर्न फिल का बॉक्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, टू कलर लिखा हुआ है, फुल कलर, फुल कलर पे क्लिक करें। करने के बाद एक बॉक्स दिखाई देगा कलर का, उसके ठीक राइट हैंड साइड में देखेंगे एक बटन देगा इस तरह स्क्रोल का, उस पर क्लिक करें। करने के बाद एक ड्रॉप डाउन इस तरह का कलर बॉक्स आएगा, आपको ये स्क्रोल कर देना है। इसको नीचे लाएं, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा आपने जो पैटर्न बनाया है। ये देखिए, ये जो मैंने पैटर्न बनाया था इस जगह छोटा सा शेप दिखाई देगा, ये पैटर्न का है। इसको क्लिक करें, इसे सेलेक्ट करें, ये मेरा आ गया जो मैंने पैटर्न बनाया था। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, ये पूरा का पूरा देख सकते हैं मेरा पैटर्न बन के तैयार हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से बेड शीट का एक पैटर्न तैयार हो गया। ये पैटर्न मेरा तैयार हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू में दिखाता हूँ, फुल स्क्रीन पे व्यू, ये देख सकते हैं मेरा पैटर्न। ये पैटर्न मैंने तैयार किया। ये उसके नीचे मैं दिखाता हूँ, ये वाला शेप जो शेप मैंने लिया था, ये शेप अलग अलग शेप से मैंने जो पैटर्न बनाया है, इस तरह का पैटर्न बन के तैयार हो गया। ये देखिए, ये पहले मैंने शेप लिया था, उसके बाद ये पूरा का पूरा एक पैटर्न का सीट तैयार हो गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले छोटे छोटे शेप्स ले लें आप, सर्कल रेक्टेंगल बॉक्स लिया, नेक्स्ट फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया, अलग किया, फिर एक रेक्टेंगल शेप लिया। आप चाहें तो अलग सर्कल ले सकते हैं। मैं अगेन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टार लिया, उसे कलर कर दें राइट हैंड साइड में इस तरह का, फिर रेक्टेंगल इस तरह का एक लंबा सा इस तरह का पैटर्न लिया, इस तरह का मैंने ले लिया, अलग अलग शेप ड्राइंग कर लिया। इस तरह करने के बाद छोटे छोटे शेप्स मैंने इस तरह बना लिया। बनाने के बाद आप क्या करें, टूल्स में जाएं। टूल्स में जाने के बाद मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, टूल्स में जाएं, क्रिएट में जाएं, उसके बाद पैटर्न, पैटर्न में क्लिक करें। पैटर्न पे क्लिक किए, क्रिएट पैटर्न लिखा हुआ है, उसके में जाएं, वहाँ पे एक टाइप लिखा होगा, उसके टू कलर फुल कलर आपको सेलेक्ट करना है, फुल कलर। उसके बाद ओके ओके कर दें। इस तरह का एक लाइन आएगा क्रॉस करता हुआ, जिस जगह आपने शेप बनाया है उस पे उसके ऊपर रखें, इस ठीक उसके ऊपर, और क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर दें। इस तरह सेलेक्ट करें, ये डॉटेड लाइन आ जाएगा। उसके बाद क्रिएट पैटर्न पूछेगा कि आप क्रिएट पैटर्न विद सिलेक्टेड एरिया, ओके कर दें, कर दिया। उसके बाद आप उसे क्या करना है, सेव वेक्टर पैटर्न, इस जगह पर फाइल नेम है उस पर क्लिक करके फाइल का नाम दे दें, कोई सा भी नाम दें। उसके बाद सेव कर दें। सेव हो जाने के बाद अब जो पैटर्न मैंने क्रिएट किया है इसे तो कहीं ना कहीं फिल तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेक्टेंगल बॉक्स ले सकते हैं, या मैंने इलिप्स टूल्स लिया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया इस तरह ड्रैग किया। मैं चाहता हूँ जो पैटर्न मैं बनाऊंगा पूरा का पूरा फिल हो जाए। सर्कल को सिलेक्ट है ऑलरेडी। करने के बाद पिक टूल पे क्लिक करें, और सबसे नीचे ये टूल बॉक्स है, सबसे नीचे देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल है, उसके ठीक ऊपर सेकेंड लास्ट में फिल टूल आएगा, एक बकेट नुमा शेप दिया होगा। उसके राइट हैंड साइड में एक बटन है काला रंग का, उस पर क्लिक करें, और थर्ड नंबर तीसरे नंबर पर जैसे ही आप माउस पॉइंटर रखेंगे आपको दिखाई देगा पैटर्न फिल डायलॉग, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैटर्न फिल का बॉक्स आ जाएगा, फुल कलर आपको क्रिएट क्लिक करना है, फुल कलर उसे उस पर क्लिक करें। और इस जगह पे एक ये ड्राइंग दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें, राइट हैंड साइड में देखिएगा, इस पर क्लिक कर दें तो एक ड्रॉप डाउन कलर का लिस्ट आएगा, ये देख सकते हैं पैटर्न का। और इसे ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे एंडिंग में आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हैं जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है, उस पर क्लिक करें। करने के बाद ओके ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह का पैटर्न तैयार हो गया। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइंग था मेरा ऊपर वाला, ये मैंने शेप लिए थे, ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो मैंने बनाया है। आपको मैं इसे लार्ज करके दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पे भी, ये देखिए ये जो मैंने पैटर्न बनाया था, ये आप देख सकते हैं नीचे मेरा पैटर्न फिल पूरा का पूरा, जो सर्कल लिया था मैंने पूरा का पूरा फिल हो गया। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको डिज़ाइन बेड शीट चादर वगैरह में दिखाई देता होगा। एक अलग सा आप पैटर्न बना सकते हैं, डिज़ाइन खुद का क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए या
मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं आपको और अच्छी तरह से ट्यूटोरियल्स बनाकर आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब में, और आप इन्जॉय कर सकते हैं, सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।